गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड हैप्पी। वेलकम टू क्लास फर्स्ट। इट्स योर ईवीएस क्लास। टुडे वी विल लर्न अबाउट योर सेल्फ। आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑल अबाउट माई सेल्फ। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? ऑल अबाउट सी, ऑल अबाउट माई सेल्फ। सब जो जो भी दिया रहेगा इस चैप्टर में, आपके बारे में ही दिया रहेगा। माई सेल्फ मतलब होता है खुद के बारे में। ओके, लेट स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स यानी आप बोल रहे हैं हाय फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को बोल रहे हैं। यू आर वेरी स्पेशल, नो वन इन द वर्ल्ड एस लाइक यू। मीन्स आप कह रहे हैं कि हाय फ्रेंड, आप जो हो बहुत ख़ास हो हमारे लिए। नो वन इन द वर्ल्ड इज लाइक यू, आपके जैसा नो वन मतलब कोई नहीं है, कोई नहीं आपके जैसा इस दुनिया में। वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, दुनिया। लाइक यू, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप बहुत स्पेशल हो, बहुत ख़ास हो। ओके, और आप लोग भी हमारे स्कूल के लिए क्या हैं? स्पेशल हैं। ओके, सी हियर, माई नेम इज। माई नेम मीन्स आपका नाम, मेरा नाम। मेरा नाम क्या है? व्हाट इज माई नेम? माई नेम इज पिंकी यादव। यू विल राइट योर नेम। ओके, यू राइट योर नेम। ड्रॉ एस मैनी कैंडल्स मीन्स क्या बोल रहा है? ड्रॉ करने के लिए मैनी मतलब बहुत सारी कैंडल ऑन द केक। एस योर एज। Also color it as neat as you can. Neat मतलब सफाई होता है। Draw मतलब बनाइए, draw करना है। ये जो box दिख रहा है आपको, इसमें क्या करना है? Cake बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे? Cake बनाएंगे। और अपने एज के, यदि आप 8 years के हैं, 9 years के हैं, तो आप उस पे केक पे कैंडल बनाएंगे। ठीक है, कैंडल बना के उसे आल्सो कलर इट मतलब इसे कलर भी कर सकते हैं। एस नीट एस यू कैन, लेकिन एकदम साफ दिखना चाहिए। कलर कर रहे हैं तो क्लीन होना चाहिए। आप लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे, अपने चॉइस के हिसाब से कलर करेंगे और अच्छी तरह इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, माई बर्थडे फॉल ऑन मतलब फॉल्स ऑन मतलब माई बर्थडे, मेरा बर्थडे, जन्मदिन होता है। जब आपका जन्मदिन होता है, आप यहाँ अपना जन्मदिन राइट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट बिलो, दिस इज हाउ आई लुक्ड व्हेन आई वाज वन ईयर। जब आप एक साल के थे कैसे दिखते थे, वो वाला फोटो यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, और दिस इज हाउ आई लुक नाउ, और अब कैसे दिखते हैं, अब का फोटो यहाँ पेस्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? नाउ कम इन नेक्स्ट पेज, टाइम टू वर्क। टाइम टू वर्क यानी काम करने का क्या टाइम होता है, वो यहाँ हम रीड करेंगे और लर्न करेंगे। ओके, आई गेट अप एर्ली एट, आप कब उठते हैं सुबह जल्दी, कब उठते हैं? तो यहाँ टाइम लिखना है, आई गेट अप एर्ली एट 4 AM। मैं कब उठती हूँ? 4 बजे। और आप कब उठते हैं, वो आप टाइम अपना राइट करेंगे। ओके, देन आई टेक ब्रेकफास्ट एट, आप ब्रेकफास्ट नाश्ता सुबह का कब लेते हैं? तो आप क्या डालेंगे? 7 यानी 7 AM। आप 7 बजे नाश्ता करते हैं ना, ब्रेकफास्ट, तो यहाँ 7 AM डालेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग अपना
डाल दीजिएगा जो टाइम आपकी होगी। ओके, आई रीच द क्लास स्कूल एट, आप लोग स्कूल कब पहुँचते हैं, रीच मतलब पहुँचना होता है, स्कूल कब जाते हैं, 8 o'clock ना, तो राइट हियर 8 o'clock। नेक्स्ट 4, आई रिटर्न फ्रॉम द स्कूल एट, स्कूल से आप रिटर्न कब आते हैं, कब आते हैं, 2 o'clock ना, तो यहाँ 2 o'clock राइट करेंगे। ओके, फिर आई प्ले गेम एट, आप लोग खेलते कब हैं, बेसिकली शाम को खेला जाता है ना, इवनिंग में 5 o'clock को, 4 o'clock को, ठीक है, तो जिस टाइम पे आप खेलते हैं वो टाइम डालेंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है, आई स्लीप एट, और सोने कब जाते हैं, 9 o'clock ना, तो आप लोग क्या राइट करेंगे, 9 o'clock। नेक्स्ट क्रिएटिव एक्टिविटी मीन्स रचनात्मक क्रियाएं, ठीक है, मेक एन आइडेंटिटी कार्ड फॉर योरसेल्फ, आप अपना एक पहचान पत्र बनाएंगे, पहचान पत्र में क्या क्या रहता है, नेम, आप अपना यहाँ राइट करेंगे नेम। नेक्स्ट क्लास, आप किस क्लास में रीड करते हैं या स्टडी किस क्लास में करते हैं वो राइट करेंगे, आपका एड्रेस क्या है वो राइट करेंगे, देन आपका फ़ोन नंबर, एक पहचान पत्र में इतनी चीज़ें होनी इम्पॉर्टेंस है, ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स मीन्स होता है जीवन, लाइफ मीन्स होता है जीवन, स्किल्स मतलब कौशल, अब आपका जीवन कौशल क्या है, कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड फिल अप द टेबल गिवन बिलो, मीन्स कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको आप कलेक्ट करिए, और जो टेबल मतलब ये जो कॉलम दिया गया है इसमें आपको क्या करना है, फिलअप मतलब भरना है, राइट करना है, ठीक है। देन मेंबर्स, मेंबर मतलब आपके फैमिली मेंबर्स में होते हैं ना, फादर मदर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, तो वो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, फिर उनके नेम, देन बर्थडे, ओके स्टूडेंट अंडरस्टूड नो, देन ग्रैंडफादर, आवर फादर, फादर कॉल ग्रैंडफादर, अपने पापा को, पापा को क्या कहते हो, ग्रैंडफादर, उनका नाम, अपने दादाजी का नाम राइट करोगे, ठीक है। देन ग्रैंडमदर, फादर के, अपने फादर की मदर को क्या कहते हैं, ग्रैंडमदर कहते हैं, और फादर, आपके फादर का नेम क्या है, फर्स्ट में ग्रैंडफादर का नेम, सेकेंड में ग्रैंडमदर का नेम, फादर, फिर थर्ड में क्या है, फादर का नेम, फिर मदर नेम, ओके। फिर उनसे आप लोग आस्क करोगे बर्थडे, ठीक है, ग्रैंडफादर का, ग्रैंडमदर का, फादर का, देन मदर का, आप लोग क्या करोगे, उनका डेट ऑफ बर्थ पूछोगे और राइट करोगे, ओके अंडरस्टूड। और यहाँ आप लोग फोटो अपना पेस्ट करेंगे, ठीक है, आप लोग को समझ में आया, अंडरस्टूड, ओके, हैव अ नाइस डे।